दोस्तों, कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को फाउंडेशन से हिला दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस समय में मार्केटिंग कर सकते हैं और बिजनेस को बचा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताती हूँ। 2.5 मिलियन इन्फेक्टेड लोग हैं और 200,000 डेथ्स, तो ये एक लीथल हो चुका है और पूरे वर्ल्ड को इसने एक डार्क टनल में डाल दिया है जिसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। हर कोई स्केयर्ड है और अपनी जगह सही भी है। बहुत सारे लोग जॉब खो चुके हैं और बिलियंस और ट्रिलियंस का लॉसेस हो चुका है। कंपनीज भी लोगों को जॉब से निकाल रही है और एक फियर बना हुआ है कि ये ग्रेट डिप्रेशन होगा 21st सेंचुरी का। तो क्वेश्चंस हैं कि क्या वर्ल्ड वापस पहले जैसा हो पाएगा। सबसे ज्यादा हमें इस समय अपना ध्यान रखना है और अपने लव्ड वंस का, जिससे हम थोड़ा लॉकडाउन अंदर ही रहें और अवॉइड करें बाहर आना जाना। दोस्तों, इस समय कोई भी स्टैटिस्टिक पूरे पैंडेमिक का अफेक्ट अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ये पता नहीं है कि पैंडेमिक की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, वैक्सीन कब आएगा, कंटेमिनेशन, लॉकडाउन के जो एफर्ट्स हैं वो कितने इफेक्टिव होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अनसर्टेन है, लेकिन इतना पक्का है कि रिसेशन तो होगा ही। रिसेशन की पॉसिबिलिटी एकदम रियल है। दोस्तों, जो मिडिल और लोअर इनकम के लोग हैं उस पर इसकी काफ़ी ज़्यादा मार है, लेकिन इस समय कई इनोवेशंस भी आए हैं। क्राइसिस के कारण लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और बिजनेस मॉडल्स आए हैं। 2003 में जो सार्स का आउटब्रेक हुआ था, वो प्राइमरी रीज़न था ई कॉमर्स चाइना में एकदम पॉपुलर होने का, और अलीबाबा ग्रुप का राइस का भी श्रेय उसी को जाता है। एडटेक में भी हम देख रहे हैं कि बहुत इनोवेशन हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरे वर्ल्ड में बंद हैं। बाईजूस, यूडेमी, एडेक्स, इन सब ने 25% की ग्रोथ पाई है डेली एक्टिव यूजर्स में और 82% ग्रोथ टाइम स्पेंट में। हेल्थ में हम देख रहे हैं कि काफ़ी तरक्की होने वाली है। इंडिया ने शुरू से ही हेल्थ में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, खाली 0.8 बेड्स हैं 1000 लोगों के लिए। तो इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वीक है, लेकिन ये सब पैंडमिक के बाद चेंज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं। जैसे आरोग्य सेतु ऐप, इससे लोग ट्रेस कर सकते हैं कि पॉजिटिवली टेस्टेड पेशेंट्स कहाँ हैं और उनके रिस्क क्या है कंटेमिनेशन के। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर, इनको तो बहुत जोर की मार पड़ी है। होटल्स, एयरलाइंस, ये सब तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोग ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे। होटल में रुकना, ये सब बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रहा है। फोरकास्ट ये तक है कि 0% ग्रोथ होगी। इनफॉर्मल सेक्टर को देखें तो, जो कि हमारी कंट्री के 85% लोगों को रोजगार देते हैं, तो ये कोलैप्स होने की वर्स पे है, क्योंकि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एंड्स को मीट करने के लिए। इसमें मेजॉरिटी डेली वेजर्स हैं, जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, वो अपने नेटिव प्लेस में जा चुके हैं। स्लम्स हैं, चॉल्स हैं, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई स्कोप नहीं है। तो ऐसे में हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि लीडर्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वायरस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे हम रिएक्ट करें हमारे डिसीजंस को। तो दोस्तों, हर क्राइसिस एक टेस्ट होता है कैरेक्टर का, लीडरशिप का। इस समय हमें डिस्कवर करना है, अपने आप को अनलर्न करके रीलर्न करना है। सबसे पहला, अपनी कोर स्ट्रेंथ्स को पाइए। एक बिजनेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफर करता है, लेकिन क्राइसिस के समय देखिए कि आपका मेन प्रोडक्ट क्या है। अब जैसे मैं टीच करती हूँ, कंसल्टेंट हूँ, ट्रेनर हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन मेरा कोर जॉब है टीचिंग। तो मुझे देखना है कि टीचिंग को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो दोस्तों, अपने आप के बिजनेस में भी देखिए आपका कोर क्या है और उसको प्रोटेक्ट करिए। नंबर टू, लिक्विडिटी पे फोकस करिए। हेल्थ सबके लिए प्राइमरी कंसर्न है, तो जब आपका ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी रहेगा, जिंदा रहेगा, तभी वो दूसरों की देखभाल कर पाएगा। उसके लिए कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, लिक्विडिटी। इस समय पैसे की ज़रूरत है। इन्वेस्ट मत करिए पैसों को इधर उधर, म्यूचुअल फंड, शेयर्स या प्रॉपर्टी में, बल्कि लिक्विडिटी रखिए। लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करिए। जब टाइड्स राइज कर रही हैं तो अपने ग्राउंड को पकड़ के रखना है, रादर कि हम स्विम करके दूसरी जगह पर चले जाएँ। अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर को कट करिए और कंपनी के एक्सपेंसेस को कम करके उसकी हेल्थ को बचाइए। फोर्थ है दोस्तों, स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि क्लियर स्ट्रेटजी होगा, प्लान होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
फिफ्थ है इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए। अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी आपको कुछ राय दे रही हूँ। अल्टीमेटली कोई भी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को देखिए, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस सिग्नल को पहचानिए। सिक्स टिप है, डू नॉट प्लीज, क्योंकि ये टफ टाइम है। चैलेंजिंग टाइम में चैलेंजिंग डिसीजन लेने होते हैं, टफ कॉल्स लेने होते हैं, आपको ग्रैब करना है बुल को बाय इट्स हॉर्न्स। तो ये टाइम नहीं है कि हम दूसरों को प्लीज करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एम्प्लॉयज़ को निकालें, लेकिन देखिए कि कैसे मतलब टफ डिसीजन लेके आप अपनी कंपनी को बचा सकें। सातवां टिप है कम्युनिकेट, रिलेंटलेसली कम्युनिकेट करिए, बार बार में एम्प्लॉयज़ के साथ, पार्टनर्स, बोर्ड मेंबर्स, सप्लायर्स, सबको अश्योरेंस दीजिए, सबको सांत्वना दीजिए। एक एंथुजियास्टिक और यूनिफाइड टीम के साथ ही आप फाइट कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली गिव बैक, क्योंकि कोई बिजनेस है कोई अपेंडिक्स नहीं होता सोसाइटी का, बट एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो जितने लोगों की आप मदद कर सके उतने लोगों की कीजिए, क्योंकि क्राइसिस में ही हमें लेसन्स मिलते हैं, हमें दिखाने का मौका मिलता है कि हमारी असलियत क्या है। दोस्तों अभी इस क्राइसिस में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में, जॉब में, वर्क स्टाइल में, बहुत सारे मेगा ट्रेंड्स हैं जो उभर के आ रहे हैं COVID-19 से। एक जनरल रिलक्टेंस था इंडिया में टेक्नोलॉजी के प्रति, लेकिन ये पैंडेमिक से प्रूव हो गया कि टेक्नोलॉजी हमारी एग्जिस्टेंस का असेंशियल पार्ट है। इससे हम अपने लव्ड वन से पास आ सकते हैं, हमारी वर्क लाइफ्स भी कंटिन्यू हो रही है वर्क फ्रॉम होम से, और ये हमें बोरियत से बचा रहा है। तो इसने हमारी सारी चीज़ें फुलफिल कर दी जो हम चाहते हैं। मैकिन्सी की रिपोर्ट के हिसाब से भी डिजिटलाइजेशन से 60 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे और 40 मिलियन वर्कर्स विल लूज देयर करेंट जॉब। तो भी टेक्नोलॉजी से जॉब्स बढ़ेंगे। अभी क्या होगा कि रूटीन जॉब्स हैं, मोनो स्किल्ड रोल्स हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे स्पेशलिस्ट से, इनसाइट ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी रोल से। क्रिएटिविटी, एम्पथी, कोलैबोरेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डिमांड बढ़ेगी सिस्टम थिंकिंग, डेटा साइंटिस्ट की। आने वाले समय में जॉब्स ऐसे होंगे जो ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं, ज़्यादा कोलैबोरेशन मांग रहे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, एजाइल हैं। तो आपको बहुत सारे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम। अभी लॉकडाउन होने से सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ट्रैवल की नेसेसिटी क्या है, घर से काम करिए, ट्रैवल की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाइए, पैसे बचाइए। गिग होगा, टीम सभी कंप्राइज होगी परमानेंट, टेम्पररी, फ्रीलांस और मशीन एम्प्लॉयज से। इन सब की रिक्वायरमेंट होगी कि हम एक सुपीरियर सोशल स्किल डेवलप करें, जिससे हमारी कोहेसिव टीम हो, वर्चुअल टीम। एजिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, एजिलिटी मतलब टीम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टीम अपने आप इवॉल्व होगी, डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सी फेज में चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में क्या स्किल्स चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज होगी, लोग अपने टाइमिंग्स चूज कर सकेंगे। टीम्स खुद क्रिएट होंगी दोस्तों, लोग अपने आप को ऑप्ट कर सकेंगे, जिस भी प्रोजेक्ट में उनको पैशन है उसमें सेल्फ सिलेक्ट कर सकेंगे। अभी लीडर्स ही लोगों को चुने ऐसा जरूरी नहीं है, इसके लिए पर्पस लेड टीम होगी, पावर ड्रिवन टीम नहीं। लीडर्स को चाहिए लीड करें इन्फ्लुएंस के साथ, अथॉरिटी से नहीं। मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस तो बनी रहेगी, लोगों को लगता है कि जब बिजनेस नहीं चल रहा, सेल नहीं हो रहा, तो मार्केटिंग क्या करनी है। बट ये मार्केटिंग एक इटर्नल स्किल है, टाइमलेस स्किल है। तो कोरोना लॉकडाउन के समय जब बिजनेस स्लो डाउन है, तो आप ध्यान रखिए कि कैसे अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को डीपन कर सकते हैं। मार्केटिंग में आपको एंगेजमेंट पे फोकस करना है, कंटिन्यूसली कस्टमर्स के साथ बात करनी है, जिससे वो आपको भूल नहीं जाए। ये टाइम है ब्रांड बिल्डिंग करने का, आप ब्रांड को और लोगों तक पहुंचाइए, उनको मैसेज दीजिए, उनको सांत्वना दीजिए, उनकी नीड्स को पहचानिए कि उन्हें क्या चाहिए। तो इस समय उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस समय उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, ये चीज़ें प्रोवाइड करिए। प्रोडक्ट को बेचने की बात मत करिए, लेकिन एक ट्रस्ट कंटिन्यूसली एंगेज करिए, तो जब प्रोडक्ट उन्हें खरीदना होगा वो आपके पास जरूर आएंगे। दोस्तों अभी सभी लोग इंटरनेट पे ही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस क्राइसिस ने डिजिटलाइजेशन की इम्पोर्टेंस सबको बता दी है। तो इंटरनेट यूजर्स इंडिया में कितने ज़्यादा हैं, 462 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, और इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है वर्ल्ड में, चाइना के बाद में। स्मार्टफोन यूजर्स 400 मिलियन स्मार्टफोन
वर सोल्ड करेंटली, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी मोबाइल ड्रिवन है। सोशल मीडिया, अभी लोगों की सारी ज़रूरतें, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, न्यूज़, सभी सोशल मीडिया से पूरी हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग से ROI भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप स्पेसिफिक टारगेटिंग करते हैं, तो उसमें वेस्टेज नहीं होता। आप अननेसेसरी पैसे नहीं खर्च कर रहे, उनको नहीं रीच कर रहे जो हमारी टारगेट मार्केट नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग से ROI 2.8 टाइम्स ज़्यादा आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। इसमें आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं कॉन्टेस्ट चला के, और लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। डिटॉल का जैसे टिकटॉक चैलेंज है, हैंड वॉश चैलेंज, उसे 18 बिलियन व्यूज और 1,23,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डिजिटल मार्केटिंग बजट फ्रेंडली है, इसमें कोई मटेरियल कॉस्ट नहीं है, प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की नहीं है, तो बहुत ही मिनिमम बजट में आप काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अभी कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है, तो ये अच्छा टाइम है मार्केटिंग करने का और मार्केट शेयर को ग्रैब करने का। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो आप अभी कस्टमर की नीड पे ध्यान दीजिए, रीच बढ़ाइए, ब्रांड बिल्डिंग करिए, एंगेज करिए। जैसे बुक माई शो बहुत ही क्लोज कनेक्शन मेंटेन कर रहा है कस्टमर से, जबकि सारे इवेंट्स अभी कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली ऑनलाइन इवेंट्स को मार्केट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। इस समय कस्टमर्स को बताइए कि आप कितना केयर करते हैं उनके लिए, उनकी वेलबींग आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। उनको सामान बेचने की बात मत करिए, जैसे रेड बस हमेशा पॉजिटिव मैसेज डेली कस्टमर्स को भेज रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कोविड की क्या सिचुएशन है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक एग्जांपल है भारत फ्लोरिंग का, एक छोटी कंपनी है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। तो इन्होंने रिसेंटली एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया कस्टमर्स को एंगेज करने का। इन्होंने कहा कि टाइल का डिज़ाइन कॉम्पिटिशन है। अभी इंस्टाग्राम पे एंथुजियास्ट, आर्टिस्ट, आम आदमी सब लोग टाइल डिज़ाइन कर रहे हैं। उनको एक कारण मिल गया एंगेज होने का, और कंपनी को एंगेजमेंट मिल गया, तो ये कस्टमर्स बाद में भी भारत फ्लोरिंग को भूलेंगे नहीं। दोस्तों, सर्च इंजन मार्केटिंग इस समय बहुत अच्छी इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि लोग बार बार में गूगल पे जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उनके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए और आप उसमें सर्च में ऐड भी दे सकते हैं। तो जब लोग सर्च कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी, तो उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और इस समय सर्च एड्स बड़े चीप भी हो गए हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी आप ट्वीक कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर अभी पूरा ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट तो ऊपर आनी चाहिए। तो कौन से कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं उसको चेंज करिए, क्योंकि अभी लोगों का इंटरेस्ट है कि इकोनॉमी, रिसेशन, मेरा जॉब प्रोटेक्ट होगा कि नहीं, उनकी जो एंग्जाइटीज़ हैं उन कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट डालिए। लोग अभी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं कि उनके आसपास क्या फैसिलिटीज़, क्या सप्लाईज अवेलेबल हैं, तो नियर मी कीवर्ड को टारगेट करिए। ईमेल मार्केटिंग हमेशा से एक बहुत बढ़िया वेपन है कस्टमर से रिलेशनशिप बढ़ाने का। जोमैटो कंटिन्यूसली ईमेल भेज रहा है कस्टमर की वेलफेयर के लिए और भी चीज़ें बताने के लिए। आप पेपर क्लिक ऐड भी चला सकते हैं, उनकी रेट अभी 6-10% कम हो गई है, आने वाले टाइम में रेट्स और डिक्रीज होंगी, क्योंकि कंपनीज अभी पैसा कम खर्च कर रही है मार्केटिंग पे। अफिलिएट मार्केटिंग ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, क्योंकि इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon, Flipkart, वो एक कमीशन देती हैं सेल का। तो अगर एफिलिएट की लिंक से कोई सेल होती है तो ई कॉमर्स साइट्स उनको कमीशन देती है, तो ये दोनों के लिए विन विन है। ई कॉमर्स साइट्स और मर्चेंट्स की सेल बढ़ रही है और अफिलिएट को कमीशन मिल रहा है। अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग अभी अवॉइड करेंगे शॉप में जाना, मॉल में जाना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना, तो ई कॉमर्स साइट्स अफिलिएट मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देगी। तो आप भी अभी अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अभी हर कोई चाहता है एक ब्रांड बनना, और हम लोग कितना ब्रांड को एसोसिएट करते हैं पर्सनालिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के साथ। सलमान खान का रिवाइटल, कटरीना कैफ का स्लाइस, गब्बर सिंह का ब्रिटानिया और सचिन का बूस्ट, ये सब बड़े ही नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। इस टाइम में भी कंपनीज ट्राई कर रही हैं ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की टेक्निक को यूज़ करने के लिए। जैसे डाइसन इंडिया ने पार्टनर किया श्रुति शेट के साथ जनता कर्फ्यू को प्रमोट करने के लिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि श्रुति शेट हाईलाइट कर रही है कि कैसे सेल्फ आइसोलेट होना चाहिए और घर में कैसे हाइजीन को रखें डाइसन के वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करके।
सो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। इस समय स्टे होम एंड स्टे सेफ। अगर हो सके तो स्मॉल कंट्रीब्यूशन दीजिए पीएम रिलीफ फंड में। आपकी तरफ से छोटा कंट्रीब्यूशन पर देश के लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।